फ्रेंड्स, तो कुंती फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वो टिप्स लेके आई हूँ ब्लाउज कटिंग, डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग। तो उसका चलिए मेजरमेंट हम समझ लेते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करते रहिए और फिर बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन पहुँचने के लिए। देखिए, हम सबसे पहले चेस्ट का साइज मेजरमेंट करेंगे। तो ये मेरा 16 इंच आ रहा है। ये कपड़ा को फोल्ड किस तरह करना है उस तरह का समझेंगे हम। उसके बाद इसका हम लेंथ देखेंगे, लंबाई। तो यहाँ कंधी का ज्वाइंट से इसको यहाँ देखना है, 11.5 इंच आ रहा है, 11.2। तो हम दो नाप लेते हैं। और इसका पीछे का जो कमर पट्टी है इसको हम देख लेते हैं, ये 2.5 इंच आ रहा है। चलिए, इसी के मेजरमेंट से हम कटिंग करते हैं। तो कपड़ा को हमको देखिए 2 लेयर में फोल्ड कर लेना है। तो 16 इंच मेरा चेस्ट आ रहा था, 8×32 फोर्थ वाथ लेना है, तो 8 इंच। उसके बाद फिर हम 1.5 इंच मार्जिंग लेंगे, तो 9.5 लेंगे। इस तरह करके कपड़ा फोल्ड कर लें, 9.5 ले लिए हैं, सॉरी 32 चेस्ट है। तो इधर किनारी वाली साइड से कपड़ा को फोल्ड करें, इधर से कपड़ा ज़्यादा बच जाता है। तो मेरा 11.5 इंच था लंबाई में, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो 13.5 इंच लेंगे, 13 इंच 2 पॉइंट लंबाई में। 11.5 इंच मुझे चाहिए कंप्लीट, उसमें 2 इंच ऐड कर दिए हैं, 13.5 इंच 13.2 इंच है। ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद 1.5 इंच नीचे जो फोल्डिंग जो कपड़ा है, अभी हम 2 इंच प्लस किए हैं तो 1.5 इंच नीचे तरफ निकाल देंगे और 1/2 इंच तो ऊपर साइड कंधी ज्वाइंट में जाएगा, इसीलिए हम 2 इंच फोल्ड किए हैं। आप अस्तर वाला ब्लाउज अगर कटिंग कीजिएगा तो उसमें 1 इंच ही प्लस कीजिएगा, क्योंकि उलट पट्टी हम अलग से लगा देंगे ऐसे। और उसके बाद गला का मार्क करना है सबसे पहले। तो 2.5 इंच मुझे कमर पट्टी चाहिए, तो 2.5 में 1/2 इंच प्लस करेंगे, 3 इंच 3 इंच में मार्क किए। उसके बाद चौड़ाई में लेंगे भी 3 इंच, गला साइड लेंगे 2.5 इंच, 3 इंच लेंगे शोल्डर पट्टी ऐसे। अब इसको एक बॉक्स तैयार करना है, 2.5 इंच और 3 इंच जो है बॉक्स तैयार करने के लिए अच्छे से सीधा लाइन ड्रॉ करें। इसमें हम 1/2 इंच का गोलाई देंगे, गोल शेप में मुझे ब्लाउज चाहिए ऐसे करके। और फैनल काम जो होती है वो होती है सीजर यानी कैंची की मदद से। तो कैंची से आप शेप किसी भी तरह का पड़ गया है, लेकिन फैनल काम कैंची करती है उसको, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब डायरेक्ट हम इसको फर्मा को रखेंगे और फिर आर्म होल का गोलाई दे देंगे ऐसे करके। इसमें कोई टेंशन नहीं होती है, नहीं बैक पोजीशन निकालने में, नहीं फ्रंट पोजीशन निकालने में, ऐसे करके आर्म होल का शेप लगा देंगे। ये मेरा बैक पार्ट रेडी है। अब चेस्ट का फोर्थ बार 8 इंच 8 इंच पर मार्क करेंगे और इसे सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। एकदम बिगनर के लिए है, जो एकदम शुरू से सिलाई सीखेंगे उसको एकदम हर छोटी छोटी वीडियो में डालते रहूँगी। आप लोग को जहाँ दिक्कत होती है वहाँ कमेंट करके पूछें। अब इसका आर्म होल हम यहाँ 1/2 इंच ऊपर की साइड छोड़ देंगे। उसके बाद मेजर करेंगे कि कितना आ रहा है मेरा, ऐसे गुलाई में घुमाते हुए देखिए 6.5 आ रहा है यानी 6.5 इंच। तो 6.5 इंच मुझे चाहिए। अब इसके ऊपर ऐसे करके कट कर लेना है। फैनल काम जो होता है वो कैंची की मदद से होता है। हड़बड़ करके कटिंग ना करें, सावधानी से कपड़ा कट करें। और जहाँ कमेंट कीजिए, मतलब जहाँ समझ में नहीं आता है फिर जाके मैं बताऊँगी वहीं से। और मेरे यहाँ टेलर पर सब रियल काम का कटिंग स्टिचिंग होता है। और अभी 2-4 कस्टमर है भी न्यू सीखने वाली, तो आप सभी ऑनलाइन से सीख सकते हैं यूट्यूब की सहायता से। और सीखने वाली को तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास भी आती है। उसके बाद जहाँ दिक्कत होती है वहाँ वीडियो देख के वो लोग कंप्लीट कर लेती है। चलिए, एक कट हम यहाँ लगाएंगे आर्म होल साइड और दूसरा कट लगाएंगे हम इस तरह का, गला को पकड़ेंगे ऐसे करके यहाँ बीच में कट लगा देंगे। ये प्लेट डालने में आगे पीछे प्लेट नहीं होती है ऐसे करके। तो देखिए मेरा बैक पार्ट करके एकदम रेडी है। अब चलिए फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, इसे हम साइड कर देते हैं। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम डायरेक्ट इस तरह का फर्मे को रखेंगे ओके।
डायरेक्ट फर्मे को रखेंगे और इस एज इट इज़ मार्किंग करना है। ये फर्मा मैं पहले कट करके रखी हूँ। जब भी मेरे पास 32 इंचेस की ब्लाउज आती है तो मैं फर्मे को रख के कटिंग करती हूँ, और उसके बाद प्रिंसेस कट का जो ब्लाउज आता है उसको हम प्रिंसेस कट में कट करती हूँ। पहले मैं फर्मा कटिंग करती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े पर करती हूँ, ताकि जो भी होगा तो फर्मे पर ही होगा। कपड़ा ज़्यादा नहीं आता है ब्लाउज में तो कपड़ा को बर्बाद ना करें। तो देखिए इस तरह का फर्मा को हम एज इट इज़ मार्किंग कर लिए हैं। अब इसमें डबल कटोरी है तो डबल कटोरी का भी हम मार्क करेंगे ऐसे करके। थोड़ा देखिए हम पास से दिखा रहे हैं, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एज इट इज़ मार्किंग करनी है एकदम डबल कटोरी का भी। इसमें टाइम का बहुत मतलब बच जाता है, टाइम दोबारा उतना टाइम नहीं लगता है जैसे कि हम मेजरमेंट करके ब्लाउज कटिंग करेंगे। और सीखने वाले को तो न्यू सीखने वाले को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या बता रही है नहीं बता रही है। इसके लिए मैंने फर्मा तैयार की है और उसे भी फर्मा की ही मदद से मैं सिखाती हूँ, ताकि उसको टेंशन नहीं हो सीख पाएंगे क्या नहीं सीख पाएंगे। इस तरह करके दो चार बात मैं समझा देती हूँ उसको, वो सब तो समझ में आ जाती है, पर जैसे बच्चे को ज़्यादा लोड दे देने से कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसी के अनुसार से इसमें भी न्यू सीखने वाली को समझ में नहीं आता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आसानी से सीखें आप सब। अब देखिए क्रॉस पट्टी का यही जो बचा हुआ जो क्लॉथ है इसी में हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे, वो भी दिखाएंगे। अभी चलिए इसी के ऊपर बस कट करना है, इसे कट करके निकाल लेंगे। मार्क के ही ऊपर कट करना है। तो देखिए मैं सबको जैसे मार्किंग किए थे उस तरह का कट कर लिया। ये है डबल कटोरी, इसमें इसको अटैच करना है इस तरह करके। उसके बाद ये फिर क्रॉस पट्टी है, और फिर देखिए ये बैक पार्ट है, और इसको अभी हम साइड कर देते हैं। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए कपड़े को फिर फोल्ड करेंगे, अच्छे से मिला लेना है। सलवट कहीं पे नहीं रहनी चाहिए। और इसे टू फॉल करने के बाद फिर हम एक बार और फॉल करेंगे, फोर फॉल। देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं जिधर किनारे वाली साइड है, एक किनारे साइड से मैं बैक और फ्रंट दोनों कट किए हैं, और दूसरे वाले किनारे साइड हम देखिए स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे करें, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। तो स्लीव्स मुझे चाहिए, देखिए हम स्लीव्स की इसकी लंबाई ले लेते हैं। कंधी का जॉइंट से हम यहाँ देखते हैं, ये है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच में मुझे प्लस करना है 2 इंच, 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए, मोड़ने के लिए उलट पट्टी। ऐसे करके बराबर कपड़ा कर लें, और सबसे पहले 1.5 इंच का मार्क कर लें। ये मेरा हेम पट्टी है जो अंदर फॉल करेंगे, ये वाली है। 1.5 इंच का मार्क करके फिर इसे हम बॉक्स बना लेंगे, जैसे गला में आर्म होल में बॉक्स तैयार करते हैं उस तरह का। ये 1.5 इंच का बॉक्स बना लिया। अब मुझे 3.5 इंच चाहिए बाजू की लंबाई, तो हम यहाँ पर 4 इंच लेंगे, 1/2 इंच इधर सिलाई मार्जिन के लिए, और जस्ट यही 4 इंच के लिए हम फिर यहाँ पे बॉक्स तैयार करेंगे इस तरह करके। बॉक्स तैयार करने के बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच नीचे आएंगे। 2.5 इंच नीचे आने के बाद इसे हम आर्म होल मेजरमेंट करेंगे, आर्म होल इसका कितना है। वैसे तो हम बताए हैं आर्म होल, देखिए 6.5 इंच है आर्म होल, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पर रखेंगे इस तरह करके, और मार्क कर लेंगे जो 2.5 इंच जो हम नीचे आए हैं। उसके बाद 5.5 इंच है इसका बॉटम यानी कि मोहरी, तो 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इसे जो हेम वाली पट्टी है इसे हम फोल्ड कर देंगे अभी, फिर बाद में हम खोल के दिखाएंगे। इस तरह करके और यहाँ पे 2 इंच तक, 2.5 इंच तक सीधा लाइन स्ट्रेट आना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे शेप दे देना है बाजू का, और ये मार्जिन तक मिला लेना है। शेप जिसको देने के लिए नहीं आता है वो एक दो बार पेपर या कपड़े में अलग में दूसरी चीज़ में प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर शेप लगाएं। अभी बॉटम और आर्म होल दोनों मिला देंगे, और फिर इधर हम मार्जिन ले लेंगे। अब कट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर जाके इधर से। तो चलिए हम इसको कपड़ा को ऐसे घुमा लेते हैं और फिर कट करते हैं। ये मार्जिन से लेंगे, और एक कट यहाँ पे सेंटर में लगा देंगे। मैं हर स्लीव में कट लगाने के लिए बोलती हूँ। अब इसे हम ऐसे करके खोल देंगे, और एक कट लगा देंगे यहाँ पे आर्म होल जो हम ज्वाइंट करेंगे, जो मेरी फिटिंग का सिलाई जो आएगी वहाँ पे। और ये जो अभी ये तो ज़्यादा क्लॉथ नहीं है, इसे तो हम कट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कट नहीं कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट हम ज्वाइंट को सिर्फ खोल दे रहे हैं। तो देखिए, और ये जो तिरछा जो मेरा होता है इसी में हम पट्टी निकाल लेंगे, हेम पट्टी, ये सॉरी गला का पट्टी, और उसके बाद डोरी का
निकाल लेंगे। ये मेरा स्लीव्स कटिंग हो गया है। तिरछी पट्टी निकालने से गला में भी अच्छे से फिनिशिंग आती है, गुलाई में कपड़ा घूम जाता है और डोरी भी बहुत अच्छे से जल्दी पलट जाती है। इस तरह करके तिरछा शेप लगाएं। शेप लगाने के बाद तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट करके मार्क करें। दिखा देती हूँ मैं कितना यहाँ पे कर रही हूँ। देखिए 1 इंच 1 पॉइंट है, आप 1 पॉइंट ज़्यादा ले लें तो अच्छा रहेगा। और इसे हम कट कर लेंगे। कटिंग में अगर ख़राब हो जाती है तो वो फिटिंग में भी ख़राब होती है, इसीलिए कटिंग अच्छा से करें, सोच समझ के कहाँ मार्जिन को ध्यान में रखते हुए क्लथ को कटिंग करना है। तो देखिए ये 4 पट्टी हो गई, 4 लेयर में मेरा कपड़ा है, तो 4 पट्टी तो गले पट्टी के लिए हो ही जाती है। अब हम डोरी के लिए कट करेंगे। तो डोरी के लिए भी हम 2 इसी तरह पट्टी निकाल लेंगे। ये 4 फोल्ड में है तो मेरा सब कुछ बन के 1-2 पट्टी बच भी जाएगा। इस तरह का 3 पट्टियाँ निकाल लें डोरी और गला के लिए हो जाएगा। तो मेरी कटिंग देखिए सब पूरी हुई, यहाँ पे मैं जॉइंट करके बता रही हूँ। इस तरह करके ऐसे जॉइंट करना है। स्टिचिंग का भी वीडियो मैं डाल दूँगी। ऐसे करके ये क्रॉस पट्टी हो गई और ये बाजू। तो मेरी वीडियो कैसा लगी आप कमेंट लाइक करते हुए ज़रूर बताएं, और जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ ज़रूर पूछें। थैंक यू।